प्राइस बिहेवियर अंडर ओलिगोपली जब हम ओलीगोपली की बात करते हैं दिस इज बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर आर फ्यू फार्म और इन फ्यू फार्म में क्या होता है देर इज यूजली इंटर डिपेंडेंस अमॉन्ग फ्यू फार्म जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओलीगोपली की बात करते हैं तो जो आपके पास सीड इंडस्ट्री है ओलीगोपली आपके पास जो एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है कि जो आपके पास फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपके पास डिफरेंट पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी आप कह लें कि दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज आल्सो ऑपरेटिंग अंडर ऑलिकॉपली आपके पास जो फार्मिंग um, मशीनरी है वो भी क्या है दैट फार्मिंग मशीनरी इज आल्सो ऑपरेटिंग अंडर ऑलिकॉपली जो आपके पास फूड प्रोसेसिंग फर्म्स हैं जो आपके पास मिल्क प्रोसेसिंग फर्म्स हैं जो आपके पास पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग फर्म्स हैं वो सब भी क्या है आल दो अंडर ऑलिकॉपली और जब आप ओलिगोपली की बात करते हो यहाँ पे ईच फर्म कंसिडर्स के डिसीजन कि क्वानी जो भी डिसीजन मेकिंग एक फर्म करेगी वो वहां पे इस चीज को अपने माइंड में रखेगी कि अदर फर्म्स किस किस तरह उस प्राइस को अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेंगी अब यहाँ पे जो भी आपके पास फर्म होगी दैट फर्म मे बी अ लीडर आर फॉलोअर आर फर्म्स मेक दैट डिसीजन साइमल्टेनियसली अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं ओलिगोपली की अंडर ओलिगोपली आर फ्यू सेलर्स इट माइट बी पॉसिबल दो करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्टीमल सोल्यूशन होगा टू सेट द प्राइसेस डेट मैक्सिमाइज द इंडस्ट्रीज रेवेन्यू और जो आपके पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू होगा इट विल बी ऑब्जर्व एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट अब पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे जो आपके पास शुगर केन इंडस्ट्री है इट्स यूजली पाकिस्तान बाई मेकिंगलूजन दे सेट अपर शुगर इन द मार्केट अब जब जब आप बात करते हो sell, लेकिन यहां पर क्या होगा कि मार्केट प्राइस तो सेट हो गई कि मार्जिन रेवन्यूज इक्वल टू मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट लेकिन अब फर्दर वहां पे हाउ मच आउटपुट विल बी सेल बाई फर्म अब वहां पर दिस इज नॉट इजी टू एग्री कि हाउ टोटल मार्केट शेयर विल बी एलोकेटेड डिफरेंट फर्म्स एंड क्लूजन टू फिक्स प्राइस और ये जो मैं क्लूजन की बात करता हूँ दिस क्लूजन इज यूज इज जनरली इलीगल इट इज नॉट पर गवर्नमेंट जब आप सिंपल मॉडल ऑफ ऑलीगोपली की बात करते हो तो अंदर सिंपल सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ ऑलिगॉपली देर आर ओनली टू फर्म्स वेन देर आर ओनली टू फर्म्स तो हम वहां पर कहते हैं दिस इज अ मार्केट ऑफ डिओपली जब आप डिओपली के रेफरेंस में ये सारी डिस्कशन करोगे देर आर फोर एक, एक पॉसिबल मॉडल हो सकता है क्वानिटीशिप प्राइस लीडरशिपीडरशिप की बात करते हो तो यहां पर आउटपुट फर्स्ट एंड दर्म फॉलोज इट अंडर प्राइस लीडरशिप क्या करेगी इट चूज इज द प्राइस ऑफ इट्स आउटपुट और जो सेकंड फर्म है दैट विल फॉलो द प्राइज बाई दर्स्ट फर्म और यहां पे द लीडर नोस द एक्शन जो भी उसने एक्शन लिया है इट विल इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द द फॉलोअर और जो लीडर्स डिसीजन है इट इज इन्फ्लुएंस बाई द एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ द फॉलोअर्स अब ये, इस सारी मार्केट में वेन ईच फर्म्स मेक इट्स चॉइस अबाउट प्राइस एंड क्वॉंटिटी क्या जी वो साइमल्टेनियसली दे आर मेकिंग डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ द प्राइस एंड क्वानिटी एंड दे डू नॉट

जो भी वो आउटपुट मार्केट में सेल करेगा इट विल इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अब अगर मैं इस सारे को अगर हमने मोनोपलिस्ट के रेफरेंस में जब ये सारी डिस्कशन की तो हमने वहां पर बात की थी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इन टू वन प्लस ई और इस एक्सप्रेशन में ई e क्या था दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द आउटपुट फॉर द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द दोनोपलिस्ट और इस एक्सप्रेशन में हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं विद रेफरेंस टू मार्केट पावर कि ये जो आपके पास मेरे पास इस एक्सप्रेशन अगर मैं लिख इक्वल टू ओवर ये जो K है इट डिनोट्स द डिग्री ऑफ मार्केट पावर वेर के, और इसको हम ये भी कह, कहते हैं कि दिस इज कंडक्ट मार्केट कंडक्ट पैरामीटर और इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंजेक्टल इलास्टिसिटी और अगर हम यहां पे एज्यूम करें के इज इक्वल टू जीरो तो सिचुएशन में क्या होगा प्राइस इज इक्वल टू मार्जल रेवेन्यू और जो आपके पास सिचुएशन होगी अंडर परफेक्टली कंपेटेटिव मार्केट अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हम हम एज्यूम कर ये कौन सी सिचुएशन होगी दिस इज दिचुएशन ऑफ मोनोपली और यहां पे आपके पास प्राइस किस चीज के इक्वल होगी इट इज इक्वल टू टू एम आर के प्राइस इज डबल ऑफ मार्जन रेवेन्यू अब अगर यहां पर हम के को यूज कंसिडर करेंटवीन जीरो एंड वन तो यह क्या होगा इट विल रिप्रेजेंट दिग्रीज ऑफ मार्केट पावर और हमने ये जो सारी मार्जन रेवेन्यू की कंपटिशन की है यहां पर हमने एजम्पन ली है कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस टू तो इफ के इज इक्वल टू पॉइंट एट दाइस विल बीवल टू वन पॉइंट सिक्स सेवन एम आर एंड इफ फर्म हैज रिलेटिवलीस कंट्रोल लेस मार्केट पावर तो उस केस में क्या होगा और इस सारी डिस्ट्र को अगर मैं आप समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं इट इज दार्केट पावर दैट इंफ्लुएंसेज दैट दैट इंडिकेट द ट दावर ऑफ अ सेलर टू चार्ज द प्राइस आउटपुट इन दार्केट इफ अ सेलर हैज अ ग्रेटर मार्केट पावर इन द मार्केट ही कैन हाई प्राइस फॉर इट्स आउटपुट इन द मार्ट एंड इफ दैट सेलर लेस मार्केट पावर ही विल चार्जिवली लेस प्राइस लेकिन ये जो भी प्राइस होगी ये प्राइस लाइक करेगी बिटवीन द Price that a competitive firm can charge and a monopolist firm can charge.